और आज का हैशटैग आपको बता दे पाकिस्तान पाक के स्लीपर सेल, क्योंकि ये स्लीपर सेल ही है जो भारत को अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। आज चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम एक बड़ा पैनल मौजूद है। संबित पात्रा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बीजेपी केंद्रीय समिति में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2003 में यूपीएससी ज्वाइंट मेडिकल सर्विस परीक्षा पास की, दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल से जुड़े। इसके अलावा दिल्ली सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र में आपत्तिजनक शब्द हटाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। संबित स्वागत है आपका। कांग्रेस के मेहमान, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता अभय दुबे हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में संयोजक हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भी रह चुके हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय। अभय जी स्वागत है आपका। स्टूडियो में मेरे साथ खास मेहमान एमएस बिट्टा भी हैं आज, जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के, इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, पंजाब की बेअंत सिंह सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। 1992 में अमृतसर में हुए बम धमाके में अपना एक पांव उन्होंने पैर गंवा दिया था। 1993 में दिल्ली में हुए बम धमाके में बाल बाल इनकी जान बची थी। बिट्टा साहब स्वागत आपका। पाकिस्तान से तो तब निपटेंगे ना जब अपने लोग साथ देंगे, ये घर के बेदी है, घर में बैठे हुए हैं, हम पाकिस्तान से क्या लड़ाई लड़ेंगे? एमएस बिट्टा साहब, ऐसे लड़ेंगे हम पाकिस्तान से? ऐसे आतंकवाद का सामना करेंगे हम लोग? बाहर के दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक घर के दुश्मन होते हैं ना, जो अंदर से खोखला कर रहे हैं देश को। देखो मैं एक बात स्पष्ट कह दूं, प्रथम राष्ट्र ना कांग्रेस ना बीजेपी ना सीपीएम ना सीपीआई ना समाजवादी ना बीएसपी, प्रथम राष्ट्र अभी चिदम्बरम साहब की आपने बात की, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने टाइम पे क्या क्या किया? सवाल बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी का सवाल नहीं है, सवाल सबसे बड़ा ये है जो हमारे जवानों के ऊपर रोज पत्थर फेंकते थे, जिनको बाहर से फंडिंग आती थी, जातन मलिक जैसे उनके चढ़े चबा दिए, उनको रोज कोर्ट में धक्के खाने पड़ते हैं। आज अभी पांच जवान शहीद हुए, छह चौकियां तबाह करके वो मारी हमारे जवानों ने। अभी चाइना के अंदर फिर घुसने की कोशिश की, मशीनें छोड़ करके भगा दिया हमारे जवानों ने। कौन अप्रिशिएट करेगा इन चीजों को? हर चीज पॉलिटिकल पार्टी की हमारी लड़ाई रहेगी। प्रथम राष्ट्र क्यों पॉलिटिकल पार्टियां ये नहीं कहती? प्रथम राष्ट्र गोली आतंकवादियों पे चलती है, तकलीफ चिदम्बरम साहब को होती है। क्यों भाई, क्या मतलब क्या है इसका? क्या कश्मीर के ऊपर राजनीति करना चाहते? कश्मीर के अंदर अगर आप पंजाब में गोली का जवाब गोली दिया है तो कश्मीर के अंदर क्यों नहीं? कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। आज क्या हालत हुई कश्मीर की? आज ट्रंप जी ने क्या बोला? तैयारी कर ली कश्मीर के उन आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के, मत सोचिए कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं। प्रथम राष्ट्र आज ट्रंप को मजबूर किया। ये सवाल कांग्रेस से होगा? नहीं, नहीं, का जो बयान मुझे है कांग्रेस सर, ये बजा राउंड है, डेढ़ मिनट में आपके पास आऊंगा सर एक बार फिर से, क्योंकि ये सवाल कांग्रेस से होगा कि शहादत पर सियासत क्यों और कश्मीर के मुद्दे को क्यों पॉलिटिसाइज कर? मेरे पास भी है, लेकिन बिट्टा साहब ये सब तो अचानक तो हुआ नहीं है। ये जो द क्विंट का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल अभी अभी संबित ने दिया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र था कि उनको जो मार दे वो स्नाइपर वाली बात, ओसामा बिन लादेन आतंकवादी को कह रहे हैं कि कितना अच्छा पिता है, ये तो ट्रेंड है ना, हम लगातार देख रहे हैं। पहले ही रोक दिया जाता तो आज ये नौबत ना आती कि भारत की किरकिरी होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पाकिस्तान मजाक बना रहा है हम लोगों का। पाकिस्तान क्या मजाक बनाएगा? पाकिस्तान के तो चने चबा दिए। पाकिस्तान हमारा मजाक उड़ाएगा तो हमारी राजनीतिक, हिंदुस्तान की राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां और जो लोग ऐसे आर्टिकल लिखते हैं उनकी वजह से मजाक उड़ाएगा, नहीं तो भारत का मजाक पाकिस्तान नहीं उठा सकता। कारगिल के युद्ध के अंदर क्या हुआ? मैं उस महिला पत्रकार का नाम नहीं लेना चाहता जिस महिला पत्रकार के कारण जो कश्मीर में थी, ऊपर से जवानों के ऊपर गोलियां चल रही थी, पूरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को जा रही थी जिस महिला पत्रकार के कारण। नहीं, मेरी रोकिए मत। अच्छी बात है, आप लिहाज कर रहे हैं। नहीं, आप जो नाम नहीं ले रहे वो आप लिहाज कर रहे हैं। मैं आपके चैनल में बैठा हूं, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा, पर उस महिला पत्रकार के कारण, इतना बड़ा चैनल था, हमारे कई जवान बहनों के सुहाग उजड़ दिए। कि आज तक कार्रवाई हुई? आज इस पत्रकार ने देश विरोधी का काम किया है। इससे पहले जब चाइना के जवानों ने हमारे राष्ट्र के अंदर घुसने की कोशिश की, क्या न्यूज बड़े बड़े चैनलों में एक दो में आई? हिंदुस्तान की फौज में ये कमी है, हिंदुस्तान के टैंक बिल्कुल खराब है, हिंदुस्तान के फौज के जवानों के पास वर्दी नहीं है। क्या वो चैनल, क्या पत्रकारों को आजादी है? पब्लिक को आजादी है? लोकतंत्र है? एक मिनट, मेरी बात को काट। पर अगर हिंदुस्तान के लोकतंत्र को तबाह करने की कोशिश करे, हिंदुस्तान की हमारी फोर्स को तबाह करने की कोशिश करे, हिंदुस्तान के ये नारे जेएनयू में लगे, घर
कारगर अफजल पैदा करेंगे भारत माँ, तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे, ऐसे लोकतंत्र के अंदर ऐसे लोगों को देश को तोड़ने की आजादी नहीं है। चोपड़ा साहब मैं एक आपसे छाती ठोक ठोक के बोल रहे हैं, मैं नॉर्थ कोरिया वाला। चोपड़ा साहब मैं एक सवाल पूछता हूँ, चोपड़ा साहब प्रेम चोपड़ा बोलता हूँ तो आप गुस्सा हो जाते हैं। चोपड़ा साहब मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपने जी कोरिया की बात कर दी, आपने अमेरिका की बात कर दी, बिल्कुल, आप मुझे एक चीज बताइए, पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन, हमारी आपकी बहनों के सुहागों की मातृभूमि की रक्षा करने वाले जवानों के ऊपर रोज गोलियां चलाता है, आज हमारा सपना पूरा हो रहा है, आज पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है इसका पैसा इसको नहीं दिया जाएगा जो हमारी 20 साल से हर जगह पे शोर मचाते थे, और कहा कि पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को ठोकेंगे, तो अमेरिका को हम कैसे गलत कह सकते हैं? हमारे राष्ट्र के लिए हमारी रोज रोज की ये समस्या कश्मीर की आतंकवाद की समाप्त होती है। जवाब लेने दीजिए, एक मिनट। हाँ, नहीं नहीं, आपकी शहादत को मैं मानता, भारत के चैनल में, भारत के उसमें उनका प्रचार भी जाता है। लेकिन बिट्टा साहब, ये कहना कि कठोर सैन्य कार्रवाई से जो नतीजे आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए, ये सेना के मनोबल को भी तो कम करता है ना। देखो, मेरी एक बात, ये आतंकवादियों से हमदर्दी वाला बयान लगता है कि ज्यादा सख्त कार्रवाई ना करिए आप लोग। मेरी बात सुनो, मुझे कांग्रेस से अलग मत समझिए, पर प्रथम राष्ट्र बार बार कहता हूं, जो हमने इंदिरा गांधी राजीव गांधी के टाइम पे आतंकवाद की लड़ाई शुरू की और पंजाब के अंदर आतंकवाद समाप्त किया, क्या पंजाब के अंदर खालिस्तानियों ने हमसे बातचीत की थी? गोली का जवाब गोली दिया, खालिस्तान हमने नहीं बनने दिया, शरीरों पे बम खाए। मुझे एक चीज बताइए, ये कश्मीर के अंदर हमारे जब जवान शहीद होते हैं, जब पत्थर फेंके जाते हैं, इन सबको तकलीफ पॉलिटिकल पार्टियों को क्या होती है? चिदंबरम को तकलीफ क्यों होती है? पहली बार जनाब हुआ है, मत सोचिए मैं बीजेपी की या नरेंद्र मोदी की तारीफ करता हूं, बचपन का सपना पूरा हो रहा है, बचपन की डिमांडें पूरी हो रही हैं आज, कि आज 220 के करीब आतंकवादी आज 3 महीने 2.5 महीने के अंदर ढेर करके रख दिए। अगर पंजाब में गोली का जवाब गोली दिया तो कश्मीर के अंदर क्यों नहीं? और मैं एक छोटी सी बात पे खत्म करूंगा, सदियों से कश्मीर है मेरा, अब भी मुझसे दूर नहीं, तू मांग रहे कश्मीर, मुझे उसकी मिट्टी देनी मंजूर नहीं, बीबी बच्चों से बढ़कर कश्मीर तो मेरी जानू है, मत करना धमाके की बात, भारत का हर एक पत्थर परवानु है, पाकिस्तान आज हत्ता होगा हमारे राजनीतिक लोगों को देख करके कि इस तरीके से जवानों की शहादत का अपमान किया जाता है, जवानों की लाशें घर में आती नहीं और हम डिबेट शुरू कर देते हैं, ये कैसे इतनी देर? हम सबको चाहिए 2-2 महीने के लिए जवानों का बस्ता पकड़े, फिर आए टेलीविजन के अंदर डिबेट करने के लिए। बिल्कुल, मजाक बना दिया शहादतों का, कुर्बानियों का, जो एक लड़ाई का हमने मजाक बना के रखा। अबे दुबे जी, शहादत पर सियासत तो नहीं चाहिए ना, कम से कम सीआरपीएफ कैंप पर हमले का जिक्र किया और नीचे आते आते ट्वीट करते करते मोदी सरकार पर हमला भी बोल दिया, शहादत पर सियासत तो नहीं होनी चाहिए ना। देख रहे हैं आप बिट्टा साहब को, ऐसे ही खून खोलता है सर। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग एक मंच पर आकर राजनीतिक एकता को कम से कम पाकिस्तान को, आप मौत की भाषा बोलेंगे तो कश्मीर में कौन से हालात ठीक हो गए? अरे ठीक, अरे गोली का जवाब गोली दिया जाएगा, हमारे जवानों को नहीं मारेंगे तो नहीं, ताला जैसे नहीं मारेगा, इस तरीके से ऑर्डर, अरे आप सरकार और मसले ताले से शिकायत क्या है? हमारी भाषा कैसे रहेगी? कश्मीरी हर हमारा भाई है, पर अगर हमारे जवानों पे गोली चलेगी, हमारे जवानों पे गोली चलेगी, हमारे जवानों पे पत्थर फेंके जाएंगे, तो उसका जवाब पंजाब की तरह दी जाएगा। जनाब ऐसे नहीं होता कि कश्मीर के अंदर आप घरों में बैठे रहे और हमारे जवान इस कड़क सर्दी के अंदर जब गोली नहीं, अरे ओए 30 साल हो गए आपको, 30 साल हो गए आपको, लोग सिर्फ मर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा चलेगा, आर्मी के बड़े-बड़े जनरल लिख रहे हैं, ये पॉलिटिकल मुद्दा है, क्या बात कर रहे हैं आप, आर्मी के बड़े बड़े जनरल लिख रहे हैं अखबारों में, ले और आप बैठे कर रहे हैं, ना कोई ग्राउंड की बात है, आपको जीरो बनाया है, आप आर्मी जनरल से जिन्होंने यहाँ पर सर्व किया था 12 साल
उनके आर्टिकल पढ़िए, बड़ी बड़ी आपकी रक्षा करते हैं, बड़ी बड़ी छोड़ जब बाढ़ आई थी कश्मीर के अंदर, कश्मीर के अंदर बाढ़ आई थी, आप लोगों को कितने कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, गोली का जवाब गोली दिया जाएगा, याद रखिएगा, मखदूमी साहब, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा, मखदूमी साहब, जी, सरकार बनने जा रही है, कुछ नहीं चलेगा वहाँ पर। जब कश्मीर के अंदर बाढ़ आई थी, इश्यूज को समझा, जब हजारों कश्मीरी भाई बिल्कुल बर्बाद हो रहे थे, हमारे जवानों ने आकर छोड़ देना चाहिए बचाया, उन जवानों की गलती से रेस्क्यू कर लिया, कश्मीर के अंदर किसको बचाया। कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया ताल ठोके में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।